हेलो एंड वेलकम आप सीख रहे हैं ए डब्ल्यू एस एस थ्री ए डब्ल्यू एस की सेकेंड मोस्ट पॉपुलर सर्विस है और सबसे पहले जब ए डब्ल्यू एस स्टार्ट हुआ था तब एस थ्री फर्स्ट सर्विस थी एस थ्री बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और एग्जाम इंटरव्यू में एस थ्री के बारे में क्वेश्चन लोग पूछते ही रहते हैं एस थ्री के अंदर अगर आपको डेटा स्टोर करना है तो सबसे पहले बनाना पड़ता है आपको बकेट बकेट बनाने के बाद जब आप कोई भी डेटा अपलोड करोगे आपको चूज करना पड़ता है स्टोरेज क्लास स्टोरेज क्लास चूज करने में आपको पूरी डिटेल होनी चाहिए क्योंकि अगर आप राइट स्टोरेज क्लास चूज करोगे तो आप अपनी कंपनी के लिए बहुत सारा पैसा सेव कर सकते हो तो आज हम एक पर्टिकुलर स्टोरेज क्लास के बारे में समझने वाले हैं और इस स्टोरेज क्लास का नाम है S3 थ्री एक्सप्रेस वन जोन सो लेट स्टार्ट दिस ओके सो S3 थ्री एक्सप्रेस वन जोन के बारे में हमें समझना है जो एक स्टोरेज क्लास है AWS S3 के अंदर पर सबसे पहले हम एडब्ल्यू एस एस थ्री कॉन्सोल में जाके देख लेते हैं कि कहां से ये ऑप्शन हमें मिलता है ओके सो आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन और यहां पे मैं अभी एस थ्री कॉन्सोल में हूं मेरे पास यहां पे एक बकेट है और इस बकेट का नाम है फॉक्स बकेट ये बकेट हमने लास्ट वीडियो में ही बनाया था जब भी इस बकेट के अंदर मुझे कोई भी फाइल अपलोड करना है तो मैं क्लिक करूंगा अपलोड पे और यहाँ पे मैं चूज करूंगा ऐड फाइल और जो भी फाइल मुझे अपलोड करना है मैं उसको सिलेक्ट करके करूंगा ओपन अब यहाँ पे नीचे प्रॉपर्टीज में से मुझे ये सभी स्टोरेज क्लास दिख रहे स्टैंडर्ड इंटेलिजेंट इंग स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस वन जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस ये चार स्टोरेज क्लास हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में समझ लिए है इस वीडियो में मुझे जो आपको समझाना है वो है एस थ्री जोन पर पे पहला क्वेश्चन यहां पे क्या है कि भाई ये ग्रेड आउट क्यों है क्यों मैं इस पर्टिकुलर ऑप्शन को चूज नहीं कर सकता ये एक अलग ऑप्शन है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है तो पहले पूरी प्रोसेस यूज के समझ लेंगे उसके बाद ये ग्रेड आउट क्यों है ये भी सॉल्यूशन में आपको करके दूंगा ओके सो लेट्स गो बैक टू द दियोरी सबसे पहली बात एक्सप्रेस वन जोन की डेफिनेशन क्या है एमेजोन एक्सप्रेस वन जोन इज हाई परफॉर्मेंस ये वर्डिंग याद रखना है हाई परफॉर्मेंस सिंगल जोन एमेजोन एस थ्री स्टोरेज ट इज पर बिल टू डिवर कंसिस्टेंट सिंगल डिजिट मिली सेकेंड डेटा एक्सेस फॉर योर मोस्ट लेटेंसी सेंसिटिव एप्लीकेशन ऑनलाइन गेमिंग है रियल टाइम एप्लीकेशन है जहां पे आपको डीले नहीं चाहिए वहां पे आप इस पर्टिक्युलर एक्सप्रेस वन जोन का यूज करोगे Yes, आपको ये क्वेश्चन होगा कि किस तरह से ये पूरा काम करता है नो नीड टू वरी अभी आपको यहां से ये जो तीन चार की है उसको सिर्फ याद रखना है आएगी सिंगल डिजिट डेटा एक्सेस मिलेगा अगर आप एस थ्री एक्सप्रेस वन जोन यूज करोगे तो बट ऑफ़ कोर्स क्वेश्चन तो ये आता है कि कैसे हमें सिंगल डिजिट मिली सेकेंड डेटा एक्सेस मिलेगा मैं आपको अभी समझा रहा हूं स्टेप बाय स्टेप ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट एस थ्री एक्सप्रेस वन जोन इज द्लाउड ऑब्जेक्ट स्टोरेज क्लास अवेलेबल तो जितने भी हमने हमने स्टोरेज क्लास सीखे हैं या हम आगे सीखने वाले हैं उसमें सबसे फास्टेस्ट एक्सेस हमें एक्सप्रेस वन जोन में मिलता है विद डेटा एक्सेस स्पीड अप अपन एक्स फास्टर स्पीड टेन एक्स फास्टर है एंड रिक्वेस्ट कोस 50 परसेंट लोअर देन द स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड मोस्ट एक्सपेंसिव है तो रिक्वेस्ट कोस्ट कम है और 10x फास्टर स्पीड भी है आप बोलोगे ये तो मैजिक कर रहा है राइट right, सही है एक्सप्रेस जोन एक्सप्रेस वन जोन मैजिक ही है पर मैजिक कैसे करता है किस तरह से ये काम करेगा जिससे हमें टेन फास्टर स्पीड मिलेगा ये समझने के लिए मैं आपको एक पूरी प्रोसेस समझाता हूं उसके बाद हम आगे जाएंगे पर इस पूरी प्रोसेस को समझने से पहले हमें यह भी सोचना है कि वो ग्रेड आउट क्या था या ग्रेड आउट क्यों था ओके okay? वो भी समझ लेते हैं लेट्स गो द नेक्स्ट पॉइंट डायरेक्टरी बकेट अब देखिए यहां पे जब आप एडब्ल्यू एस एस थ्री कॉन्सोल में जाएंगे तो दो टाइप के बकेट्स आप बना सकते हो एक जिसको हम बोलते हैं जनरल पर्पस बकेट और दूसरा हम करेंगे बना सकते हैं डिरेक्ट्री बकेट अब डिरेक्ट्री बकेट है यह स्पेसिफिकली एक्सप्रेस वन जोन के लिए ही है अगर आपके पास जनरल पर्पज बकेट है तो इसके अंदर आप एक्सप्रेस वन जोन में डेटा स्टोर नहीं कर सकते हो क्योंकि जब हम जनरल पर्पज बकेट बनाते हैं तब हम सिर्फ रीजन चूज करते हैं हम अवेलेबिलिटी जोन चूज नहीं कर सकते डायरेक्टरी बकेट में हम अवेलेबिलिटी जोन भी चूज कर सकते हैं अब पहले कॉन्सोल में जाएंगे समझेंगे डायरेक्टरी बकेट बनाएंगे फिर वापस आएंगे तो पूरी सिस्टम सिंक हो जाएगी देखिए हूं राइट मैं अभी एस थ्री कॉन्सोल में हूं अब यहां पे आप देखो मैं किस रीजन में हूं मुंबई में राइट तो यहां से जाऊंगा बकेट में देखिए यहां पे एक बकेट है और मैं क्लिक करता हूं क्रिएट बकेट यहां मुझे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है सिर्फ एक ही बकेट में बना सकता हूं और ये जनरल पर्पस बकेट है और जनरल पर्पस बकेट के अंदर आप एक्सप्रेस वन जोन सिलेक्ट नहीं कर सकते तो देखिए अगर ये जो मेरा बकेट है वो जनरल पर्पस बकेट है देखिए यहां पे लिखा हुआ भी है और अगर इस बकेट में मैं यहां से जाके अपलोड करूंगा कोई फाइल ओके okay. तो यहां मुझे वो चूज नहीं करने देगा एस थ्री स्टोरेज वन जोन क्यों क्योंकि अगर आपको एस थ्री वन जोन एस थ्री एक्सप्रेस वन जोन चूज करना है सिलेक्ट करना है यहां से तो आपको डायरेक्टरी बकेट बनाना पड़ेगा प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में अभी ये फीचर इनेबल नहीं है आपको कैसे पता चलेगा देखिए पे जनरल पर्पज बकेट यहां पे डिरेक्टरी बकेट दिस एडब्ल्यू एस रीजन इज नॉट सपोर्टेड यानी कि इंडिया में मुंबई में ये ऑप्शन मुझे नहीं मिलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं हम अभी चले जाते हैं यूएस देखिए यहां से मैं गया एन वर्जीनिया में और अब यहां पे मैं बकेट बनाऊंगा ओके देखिए क्रिएट बकेट तो जनरल पर्पस एंड डायरेक्टरी दोनों आ रहा है और यहां पे न्यू आ रहा है क्योंकि डायरेक्टरी बकेट न्यू है और अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं दूसरी बात जब आप डायरेक्टरी बकेट चूज करते हो तब यहां पे एक ऑप्शन आता है यू कैन चूज योर अवेलेबिलिटी जोन एज वेल और अगर आपको एक्सप्रेस वन जोन का यूज करना है तो आपको डायरेक्टरी बकेट ही बनाना पड़ेगा इसके अंदर ही एक्सप्रेस वन जोन सिलेक्ट कर सकते हो दूसरे कोई यानी कि जनरल पर्पज बकेट में ये नहीं हो सकता है ठीक है अब एक बार फिर से हम डिरेक्ट्री बकेट का डेफिनेशन देख लेंगे डिरेक्टरी बकेट यूज द एस थ्री एक्सप्रेस वन जोन स्टोरेज क्लास विच इज बिल्ड टू बी यूज बाय परफॉर्मेंस सेंसिटिव एप्लीकेशन विथ एस थ्री एक्सप्रेस वन जोन यू कैन सिलेक्ट सिंगल डेटा एक ही अवेलेबिलिटी जोन में स्टोर होगा सिंगल अवेलेबिलिटी जोन विद ऑप्शन टू कोलोकेट योर ऑब्जेक्ट स्टोरेज थ यंप्यूटर रिसोर्सिस विच प्रोवाइड यू द हाइएस्ट पॉसिबल एक्सेस पी तो ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आपके पास डिरेक्ट्री बकेट होना चाहिए जो अभी अवेलेबल इंडिया में नहीं है और ये भी आपको आंसर मिल गया होगा कि यो जो हम अपलोड करते थे वो जनरल परपज था तो इसीलिए वो ग्रेड आउट अब यहां पे जो लिखा है उसको मैं आपको एक पिक्चर से समझाऊंगा तो बहुत ही ईजी रहेगा आपके लिए समझने में और उसके बाद हम प्रैक्टिकली भी देख लेंगे तो देखिए यहाँ पे मेरे पास एक पिक्चर है ऑफकोर्स मुझे यहां यूएस रीजन लेना पड़ा क्योंकि इसी में यह फैसिलिटी अवेलेबल है और यूएस रीजन में एक्चुअली यूएस ईस्ट वन में छह अवेलेबिलिटी जोन है पर मैंने यहाँ पे तीन लिया है ओके okay? अब मेरे पास एक बहुत ही लेटेंसी सेंसिटिव एप्लीकेशन है जो एज ए स्टोरेज एस थ्री का यूज कर रही है अगर मेरे पास एप्लीकेशन है तो कंप्यूट चाहिए एप्लीकेशन को चलाने के लिए और ये जो मेरी एप्लीकेशन है लेट से मेरी एप्लीकेशन अभी यूएस ईस्ट वन सी में चल रहा है ओके okay? तो जब भी मैंने अपना ई सी टू इंस्टेंस कंप्यूट इंस्टेंस बनाया था तब मैंने ये अवेलेबिलिटी जोन चूज किया था okay? अब आपको मालूम है के जनरल पर्पस बकेट जब आप यूज करते हो आप कोई अवेलेबिलिटी जोन चूज नहीं कर सकते इवन वन वन जोन जोन नॉर्मल भी चूज करते हो आप कोई अवेलेबिलिटी जोन सिलेक्ट नहीं कर सकते यानी कि आपका डेटा जो एस्त्री बकेट में है वो कौन से अवेलेबिलिटी जोन में है वो हमको मालूम नहीं है सो लेट्स एज्यूम दैट हमारा जो बकेट है एस्त्री बकेट वो यहां पे है राइट right. और डेटा पिक्चर्स वीडियोस, ये सब यहां पे है कहाँ पे अलग जोन में है जो है यूएस ईस्ट वन राइट तो अभी सिचुएशन क्या है ई सी टू इंस्टेंस और एस थ्री बकेट दोनों अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में है अब जैसे कि कोई यूजर होगा जो यहां पे बैठा है वो एप्लीकेशन एक्सेस करेगा एप्लीकेशन एक्सेस करेगा तो स्पेसिफिकली वो जाएगा ईसी इंस्टेंस के पास इंस्टेंस उसको जो भी पिक्चर या वीडियोस देना है वो यहां से लाके जो अवेलेबिलिटी जोन में है यानी कि आप ये ई सी टू इंस्टेंस इस एस थ्री बकेट को एक अलग अवेलेबिलिटी जोन में से डेटा लेके दे रहा है राइट right? बट अगर आप यहां पे एक्सप्रेस यूज करोगे तो एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज मिलेगा यहां पे आपको यह फैसिलिटी मिलेगा कि आप अपने थ्री बकेट का अवेलेबिलिटी जोन चूज करो तो यहाँ पे आपके पास चॉइस है राइट ये दोनों ई सी टू इंस्टेंस और एमेजोन थ्री बकेट दोनों एक ही अवेलेबिलिटी जोन में भी रहेंगे अब यहां क्या होगा जैसे ही आप यहां पे एक्सेस करोगे ये सेम अवेलेबिलिटी जोन में डेटा एक्सेस करके आपको प्रोवाइड कर देगा मीन फास्टर स्पीड सो सबसे बड़ा एडवांटेज है एक्सप्रेस वन ज़ोन का कि आप अपने हिसाब से जहां पे आपका कंप्यूट एनवायरनमेंट जिस भी अवेलेबिलिटी जोन में रन हो रहा है उस अवेलेबिलिटी जोन को चूज कर सकते हो अपने डायरेक्टरी मकेट के लिए तो प्रैक्टिकली देख ले सबसे पहले मैं एन वर्जीनिया में हूं देखिए यहां पे मैं एक डायरेक्टरी बकेट बना रहा हूं मैं जोन चूज करूंगा कोर्स मैं कौन सा जोन चूज करूंगा जहां पे मेरा कंप्यूटर एनवायरमेंट रन हो रहा है जैसे कि मैंने ये चूज किया यस ये वन जोन है एंड यहां मैं नाम दूंगा लेट्स से दैट फॉक्स बकेट और क्रिएट बकेट ये मेरा बकेट बन गया है अब ये बकेट कौन सा है डिरेक्ट्री बकेट यहां पे हमें दोनों कैटेगरी मिलती है देखिए ये है जनरल परपज बकेट तो जितने आपके जनरल परपज बकेट है वो यहां पे दिखेंगे और यहां पे कोई अवेलेबिलिटी जोन नहीं दिखेगा यहां पे आपके जितने बकेट है राइट वो डायरेक्टरी बकेट्स के अंदर दिखेंगे मेरे पास दो बकेट्स है दोनों यूएस ईस्ट में है और दोनों का अवेलेबिलिटी जोन भी यहां पे मुझे मिल रहा है अगर मैं इस बकेट के अंदर जाके अपलोड करने जाऊंगा कोई भी फाइल जैसे कि अभी मैं कर रहा हूं ओके okay? यहां पे मुझे एक ही स्टोरेज क्लास मिलेगा एस थ्री एक्सप्रेस क्योंकि ये स्पेसिफिकली इसके लिए ही बनाया गया है यहां पे आप दूसरा कोई नहीं यूज कर सकते हो सेम वे जब हम जनरल पर्पस बकेट का यूज करते हैं तब हमें सभी स्टोरेज क्लास वहां पे मिलेंगे पर S3 एक्सप्रेस जोन नहीं मिलेगा राइट तो ग्रे डाउट था जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही देखा तो ये था पूरा एक यूज़ केस अबाउट S3 एक्सप्रेस वन जोन याद हमें ये रखना है कि ये बहुत ही नया फीचर है तो ये अभी इसी चार रीजन में अवेलेबल है ओके इट इज अवेलेबल इन द यूएस ईस्ट यूएस वेस्ट यूरोप एंड एशिया पैसिफिक तो अगर आपको ये प्रैक्टिकल करना है तो प्लीज ऊपर एन वर्जीनिया रीजन सिलेक्ट कर दीजिएगा तो ही कर सकते हो इंडिया में ये चूज करने से प्रैक्टिकल नहीं होगा पर आपके पास अगर फ्री अकाउंट है तो पेमेंट की कोई टेंशन नहीं है आप रिसोर्सिस किसी भी रीजन में बना सकते हो नो प्रॉब्लम फिर भी कोई प्रॉब्लम है नहीं समझ में आ रहा है तो टेंशन नहीं लेना है एक मैसेज करना है आपको मैं रिप्लाई हंड्रेड कर दूंगा थैंक यू वेरी मच सी इन द नेक्स्ट वीडियो हैव अ नाइस डे गुड बाय